मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और मुझे सम्मानित किया गया। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी शैलेश भाई का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाकर मुझे इतना सम्मान दिया। इसके अलावा आपके एनजीओ के बारे में कहना चाहेंगे, किस तरह का काम आपकी एनजीओ कर रही है और आगे क्या आने वाले दिनों में क्या काम? मेरा एनजीओ को 7 साल हो गए हैं और सोशल वर्क में मैं 10 साल से हूँ। और हमारी एनजीओ कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करती है, राइट टू एजुकेशन पे हम लोग काम करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हम लोग आगे प्रोग्राम्स करने वाले। इसके अलावा जिस तरह से आप कार्य कर रही है यहाँ पर, आपने आदिवासी बच्चों से मुलाकात भी की है, किस तरह का अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा और ये मेरे लिए पहली बार था जो इतने सारे अलग अलग लोगों देश के बच्चे आए हैं, जैसा तेलंगाना सब जब बिहार के वगैरह, बहुत अच्छा लगा। और उनका जोश देख के भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में इतना सारा टैलेंट है और उनका जो खुशी और एक्साइटमेंट देख के भी बहुत खुशी हो रही है। मैं देखिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए आईफा अवार्ड फंक्शन एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन होता है। हम लोग उसके लिए बहुत शेयर होते हैं, बहुत तैयार होके जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं उस फंक्शन को। तो मुझे उस जितना मजा आया यहाँ उससे भी शायद ज्यादा मजा आया कि मैं आईफा जाती और मैं यहाँ आई, मुझे बहुत मजा आया। इन बच्चों की बहुत प्यारी स्माइल, बहुत नेचुरल लव, ये जानकारी लेकर के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया। और आमंत्रित करने के साथ साथ इतना सारा प्यार मिला तो मैं बहुत खुश। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये इनके लिए काम हो रहा है इस ट्राइबल के लोगों के लिए, इट्स रियली अप्रिशिएटेड। जनरली इस तबके के बारे में बहुत कम सोचा जाता है, उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट जहाँ पर इनको इतनी ब्यूटीफुली आपने प्रोत्साहन देकर बुलाया है, वो उनमें जो एक्साइटमेंट है, इट इज अबाउट एवरीथिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू सी। मुझे बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है आज, बट मुझे लग रहा है मेरा संडे सुधर गया। निकिता जी आपसे जानना चाहेंगे, हमेशा चकाचौंध वाली लाइफ आप जीती है, इस तरह के कार्यक्रम का जब इन्विटेशन आपके पास आया तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? जब आप सुबह निकली घर से तब आपके माइंड में क्या चल रहा था कि किस तरह का कार्यक्रम होगा? देखिए सेम डे पर अभी सेम टाइम पर दूसरा एक और मेरे ख्याल से एक अवार्ड फंक्शन भी था, लेकिन मुझे मेरे लिए ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मेरे लिए यहाँ पर आना और इन बच्चों की स्माइल देखना, और इतना ब्यूटीफुल उनका हार्ट है, उनको बहुत ज्यादा ही प्योर है बच्चे, तो आई जस्ट लव दिस। एंड मैं इसी एक्सपीरियंस के साथ निकली थी कि मुझे आज बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पर, बहुत ज्यादा प्यार मिला। तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि आज का दिन मैंने इतने प्यार से निकाला। सर आप क्या कहना चाहेंगे, निकिता जी यहाँ पर आई हुई है, साथ ही साथ दिलीप सर आए हुए थे, राजीव जी आए हुए थे, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या? देखिए ऐसा है, मुंबई जो है माया नगरी है, बच्चे जब यहाँ आए थे तो उनके मन में था कि कुछ माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बॉलीवुड के लोगों से वो मिले, और आज निकिता जी और आस्था जी यहाँ पर दोनों आई, साथ में सिंह जी भी आए, करोलिया जी भी आए, तो निश्चित रूप से बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। मैंने जिस दिन से आए थे उस दिन से आज ही बच्चों को इतने प्रभावित देखा, नहीं तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़े डरे सहमे से है, पर आज बच्चियों के साथ निकिता जी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, उनके मन का डर और उनमें उस तरह उत्साह आया है कि मेरे को ऐसा लगता है कि उनके जीवन का सबसे अच्छा लम्हा आज का था। निकिता जी बच्चों ने आज कुछ सिखाया है, आपको कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में, क्या सीखा? वैसे बच्चे हमेशा बहुत कुछ सिखा जाते हैं, जैसे कि उनकी एनर्जी, उनकी स्माइल और उनका बिना मतलब का प्यार, बट आज मुझे उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज में आई लव यू कहना
और बहुत सारी बातें सिखाई। तो अभी तो मैं शायद एक दो लाइन भूल गई हूँ, बट मुझे कन्नडा में और अपनी अपनी जो उनकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उन उसमें उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बेस्ट था, यू नो, ऐसा लग रहा था कि मैं भी उनके साथ बच्चों जैसे कुछ सीख रही हूँ। तो इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का, आप लोग सबका और स्पेशली राम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को इतने प्यार से, वो एक खुद तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मगर हमको इतने अच्छी चीज़ों के लिए यहाँ पर बुलाए, मेरे लिए बहुत 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 शुक्रिया। इसके लिए मैं विशेष आभार करूँगा हमारे नेहरू युवा केंद्र के महान प्रकाश मनोहर जी महाराष्ट्र एंड गोवा के निदेशक, और हम चाहेंगे कि आप थैंक यू। लास्टली लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? मेरा 15 डेज में सॉन्ग रिलीज है अगेन, जो कि बहुत बड़े स्केल पे और जिसको डिजाइन किया है बादशाह ने, बहुत अच्छा गाना है। सीरीज मेरी रिलीज पर है, December 27 को सीरीज रिलीज हो रही है विवेक ओबरॉय के साथ। एक और सीरीज स्टेज पर जा रही है जिसमें हम दोनों बहुत ही अच्छा देश के लिए काम करने जा रहे हैं, एथलीट्स का रोल प्ले कर रहे हैं, और इस मूवी से हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो आई गेस बहुत अच्छा और सरप्राइजिंगली रहेगा ये ईयर एंडिंग। इनफैक्ट हमारी जो नेक्स्ट जो हम मूवी कर रहे हैं वो बेस्ड इसी चीज़ों पर है कि जैसे कैसे छोटे प्लेसेस से आकर एथलीट्स बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे इंडिया के लिए, हमें बहुत प्राउड फील करवा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट सीरीज उसी बेस पर है कि हाउ दिस गर्ल स्टैंड फॉर देयर सेल्फ एंड देन दे विन, सो दैट्स हाउ हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव आज का रहा, आज का जो कार्यक्रम रहा उसमें दिलीप जी आए हुए थे, राजू जी आए हुए थे, निकिता जी आई हुई है, अस्ता जी आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनका विशेष आभार प्रकट करूंगा, और ये जो बच्चे आए हैं नक्सल क्षेत्र के हैं, बहुत ही गरीब क्षेत्र के, इनको आपने जो एंजॉयमेंट दिया है जीवन में याद रखेंगे, और ये आभार आपका व्यक्त करेंगे और आपको भूलेंगे नहीं, मैं इसकी खातरी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी और आपका भी। याद आ गई आपको और यहाँ पर आकर कैसा महसूस करते? आज ये जो प्रोग्राम हुआ है आदिवासी आदान प्रदान जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसमें ये देख के सही माने में पूछे तो हमारा जी भर आया, मतलब आंख नम हो गई कि जिस हिसाब से ये बच्चे मतलब ऐसे नक्सलवादी एरिया में रहकर आ रहे हैं, फिर भी इनका उत्साह देख के बड़ी खुशी हुई मुझे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम सोच रहे हैं मुंबई में रह के कि पता नहीं हमारे प्रांत में, मगर ऐसे कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पे लोगों को मतलब पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है, एजुकेशन से लेके खाने से लेके। तो इनके जो मैंने विचार सुने और जो इनके पर्सनल जो लाइफ को बात सुनने के बाद में आंख नम हो गई हमारी, और हमें लगा कि इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हम कलाकार होने के नाते मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए अगर कभी भी आप लोग अगर कोई शो करेंगे तो हम बगैर पैसे के इनकी सेवा में ये शो कर सकते हैं, हम हमारे फिल्म से नाइट कर सकते हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? काफी प्रोत्साहित हुए। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि बेटा जिद है तो हौसला है, हौसला है तो कामयाबी है, तो अपनी जिद पे अड़े रहो और हौसला रखो कि हमें आगे बढ़ना है, तो एक दिन आप भी अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, ये मेरी लोगों की शुभकामना। राजू सर आपका अनुभव कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गिव एंड टेक आदान प्रदान हम अक्सर करते रहते हैं हम आपसी जीवन में लोगों से, लेकिन पहली बार आदान प्रदान आदिवासी लोगों का है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके साथ जब चाचा नेहरू का नाम जुड़ जाए, नेहरू युवा केंद्र जो है, अगर चाचा नेहरू का जुड़ जाए बच्चों के आगे तो ये और भी अद्भुत हो जाता है। और ये जिस प्रांगण में हो रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है, और उसमें इतना मैं कहूंगा कि ऐतिहासिक स्थल में इतिहास रचने गया है, आज इतिहास रचने वाला है। और ये सारे फ्यूचर के बच्चे जो भी आप देख रहे थे, आज हम इनको हमारे सामने पाया, कल को ये पता नहीं कल कहाँ होंगे, और जहाँ कहीं भी हो यकीनन बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से लबालब रहे होंगे और कुछ बहुत बड़ा अपना एक योगदान दे रहे होंगे हमारे समाज। अच्छा, जब आपको बताया गया था कि ये एक आदिवासी प्रोग्राम है और आप जब यहाँ पर आ रहे थे, उस दौरान आपके मन में क्या चल रहा? मेरे मन में देखिए, मेरे मन में मैं कभी भी मन में एक जजमेंटल नहीं होता हूँ, मैं मन में कुछ भी लेकर के नहीं चलता हूँ। मेरा मानना है टेक लाइफ एज इट कम्स,
तो मेरा यही सिद्धांत रहा है कि मैं जो भी यहाँ जैसा भी सामने रहेगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मेरा मोटो है लाइफ में एक्सेप्ट ग्रेसफुली एवरीथिंग एंड एनीथिंग कम व्हाटएवर मे, सो दिस इज हाउ आई लिव। तो मुझे अच्छा लगा जब मैंने देखा, और खासकर जब ऐसे बच्चों को अलग अलग प्रांत से आए हुए तो और भी अच्छा लगा। बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा सिर्फ यही संदेश रहेगा कि निश्चिंत रहे, सहज रहे और सरलता से अपने जीवन की और लक्ष्य ताके रहे। दिलीप सर, जो बच्चे आए हुए हैं उनके लिए कोई गाना आपकी ओर से पेश करना चाहिए? तेरे प्यार में पागल है हम सुबह शाम। तो ये कहूंगा कि बच्चों का हौसला देख के हमें बहुत खुशी हुई, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस सद्भावना से ये आज हमको मिले हैं ईश्वर इनको सक्सेस करे, कामयाब करे। जय महाराज, जय हिंद।